हेलो दोस्तों, डॉग जंक्शन में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप लोग फर्स्ट टाइम डॉग ओनर हो तो क्या आप डोबरमैन डॉग ब्रीड को रख सकते हो नहीं रख सकते। क्योंकि काफ़ी लोगों की क्वायरीज आती है मेरे पास अब तक भी कि भाई हम फर्स्ट टाइम डॉग ओनर हैं, कि हम डोबरमैन डॉग ब्रीड को रख सकते हैं, भले वो अमेरिकन डोबरमैन हो या फिर यूरोपियन डोबरमैन हो। तो आज आप ये वीडियो देख लो और आप लोगों की सारी क्वायरीज क्लियर हो जाएंगी। भले आपको डोबरमैन डॉग ब्रीड रखनी है या फिर कोई और डॉग ब्रीड रखनी है, तो भी आप लोग जान जाओ कि आप लोगों के लिए वो डॉग ब्रीड सूटेबल रहेगी नहीं रहेगी और किस कंडीशन में आप लोग उन डॉग ब्रीड को रख सकते हो अगर आप एक फर्स्ट टाइम डॉग ओनर हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते बिना देरी करे, सबसे पहले जो पॉइंट निकल के आता है टाइम, क्या आप कितना टाइम अपने डॉग के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। क्योंकि जब वो पपी होएगा या फिर जब तक वो बड़ा होएगा तब तक आपको अपने डॉग को हमेशा टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप घर पे डॉग तो ले आए लेकिन आप उसे प्रॉपर टाइम ही नहीं दे पा रहे, आपके घर वाले उसका ध्यान रख रहे, आपके पास इतना टाइम नहीं रहता कि आप उसकी केयर कर सको या फिर उसे वॉक पे ले जा सको, साथ में उसे एक्सरसाइज करवा सको। क्योंकि जो डोबरमैन जैसी डॉग ब्रीड है वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक डॉग ब्रीड होती है। वहाँ पे भले हम बात कर लें एक अमेरिकन डोबरमैन की या फिर एक यूरोपियन डोबरमैन की, क्योंकि जो उनकी मेन चीज़ है वो तो उनके एनर्जी लेवल ही है ना। अगर आप उस एनर्जी लेवल को चैनलाइज ही नहीं कर सकते, उसे एक्सरसाइज ही नहीं करवा सकते, तो आप मत लेना, क्योंकि उसके आपको टाइम देना पड़ेगा ही पड़ेगा। उनकी एक ग्रूमिंग कुछ नहीं होती, यूरोपियन डोबरमैन में आपको ग्रूमिंग काफ़ी कम करनी पड़ेगी। अच्छी हेल्दी डॉग ब्रीड होती है, आपको उनकी केयर में भी ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उनके साथ वैसे टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, या तो आप उन्हें एक्सरसाइज कराओगे या फिर आप उनके साथ खेलोगे, उसका मतलब प्रॉपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये आपकी एक शेडो टाइप की डॉग ब्रीड होती है, जो कि आपकी एक डोबरमैन डॉग ब्रीड होती है। जिस किसी से भी आप पूछो जिसने डोबरमैन पाले होंगे, वो आपको यही चीज़ बोलेगा कि डोबरमैन ना हमारे पीछे पीछे चलता, जैसे कि हमारी शेडो, वो आपके साथ हमेशा रहना चाहता है, आपके साथ हमेशा खेलना कूदना चाहता है। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें। अगर आप एक सिंगल पर्सन है, आपके साथ कोई नहीं रहता, मतलब आप सिंगल रहते हो कहीं और रेंट पे या आप ऑफिस भी जाते हो, आप अपने डॉग को टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, तो कोशिश ये करना या तो आप लो मंथ, अगर आपको बिल्कुल ही शौक है कि भाई देखो हमारी 9 to 5 की जॉब है, हम 5 बजे के बाद टाइम दे सकते हैं और सुबह 9 बजे से पहले टाइम दे सकते हैं, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप अपने पड़ोसियों को घर की चाबी दे के जा सकते हो, जिस टाइम आपके डॉग को बाहर थोड़ी बहुत वॉक करा लें, जैसे दिन का टाइम हो गया फिर 11-12 बजे के टाइम एक छोटी सी वॉक करवा लें, जिसके चलते आपका डॉग घर में आकर दोबारा चैन से सो जाए। तो आप ये काम भी कर सकते हो अगर आपको डोबरमैन डॉग ब्रीड पर्टिकुलर लेनी है। यहाँ पे मैं आपको एक्सपीरियंस की बात इसलिए नहीं बोल रहा कि आपको एक एक्सपीरियंस डॉग ओनर होना चाहिए, ये होना चाहिए, देखो ये सब चीज़ें कई डॉग ब्रीड के लिए ज़रूरी होती है, लेकिन मोस्टली जो डॉग ब्रीड है आप उन्हें इजीली अपने हिसाब से ढाल सकते हो। क्योंकि आप एक प्रॉपर एडल्ट डॉग ब्रीड नहीं लेके आ रहे हो घर पे, आप एक छोटा पपी लेके आ रहे हो, आप उसे अपने हिसाब से ढाल सकते हो। आपके पास लेकिन इतना टाइम होना चाहिए कि आप उसे ध्यान दे सको, उसके केयर कर सको। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने डॉग तो ले लिया लेकिन आपके पास टाइम ही नहीं रहता, आप उसे केयर ही नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पे आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। इसी के चलते मैं आप लोगों को ये चीज़ सजेस्ट करता हूँ, अगर आप लोगों के पास पूरी फैमिली रहती है, जिससे कि कभी आपकी फैमिली केयर कर रही है या फिर वो वॉक पे लेके जा रही है और आप भी घर में आकर उसके साथ प्रॉपर टाइम दे रहे हो, उसके साथ खेल रहे हो, उसे हाइक मतलब वॉक पे लेके जा रहे हो, कहीं पे भी कुछ भी घुमा फिरा रहे हो, उसे ट्रेनिंग दे रहे हो, तो आप इजीली रख सकते हो। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे निकल के आते हैं, साथ में आपको उसे सोशलाइज करना पड़ेगा। सोशलाइजेशन डोबरमैन डॉग ब्रीड के लिए काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी है। अगर आप इन्हें प्रॉपर सोशलाइज नहीं करोगे तो आपका डॉग एग्रेसिव होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वो बेवजह एग्रेसिव भी हो सकता है अगर आप उसे ज़्यादा घर में बांध के रखोगे या फिर घर में आपने उसे बिल्कुल सर पर चढ़ा रखा है, तो भी आपका डॉग मतलब आपकी बात नहीं सुनेगा। तो आप लोग एक प्रॉपर उसे ट्रेनिंग दो, उसे सोशलाइज कराओ, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ पे ये चीज़ आ जाती है, जो एक्सपीरियंस डॉग ओनर होते हैं उन्हें ये चीज़ पता होता है कि डॉग को सोशलाइज कराना होता है। फर्स्ट टाइम डॉग ओनर के लिए थोड़ी सी कंफ्यूजन बढ़ जाती है, उन्हें ये चीज़ समझ नहीं आती कि भाई हम अपने डॉग को सोशलाइज किस तरीके से करें। तो यहाँ पे आप सोशलाइजेशन के लिए अपने डॉग को दूसरे डॉग्स के पास वॉक पे ले जा सकते हो, अपने यार दोस्तों के पास आपके डॉग होंगे, आप उन्हें कह सकते हो कि भाई साथ में वॉक पे चलेंगे, मैं भी अपना डॉग ले आऊँगा, आप भी अपना डॉग ले आना, या फिर शाम में साथ में सारे दोस्त निकलिए अपने डॉग्स को लेकर। तो यहाँ पे आपका डॉग ऑटोमेटिकली दूसरे डॉग्स के लिए, दूसरे एनिमल्स के लिए, साथ में कोई और एनिमल है, जैसे आपके किसी दोस्त के पास कैट है, तो आप अर्ली ऐसे सोशलाइज कराओ। ये मत सोचना कि बड़ा होने के बाद करवाऊंगा या फिर कुछ ऐसा करवाऊंगा, क्योंकि आपको नहीं पता कल को आपके घर में कोई गेस्ट आ गया, उनके साथ कोई कैट है, उनके पास वो कैट ले आए, तो आपका डॉग उनके लिए कैसे रिएक्ट करेगा। ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि आप कोई गेस्ट आ रहा है, आपने डॉग को बांध के रख रहे हो,
मस्ट है, ह्यूमन सोशलाइजेशन और एनिमल सोशलाइजेशन दोनों चीज मस्ट है। अगर आप ये काम भी कर सकते हो तो ग्रेट सक्सेस, आप लोग एक कदम और पास पहुंच चुके हो डोबरमैन डॉग ब्रीड के लिए जो कि आप लोगों को पसंद है। आप फिर इस डॉग ब्रीड को इजीली रख सकते हो, आप पाल सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप बस अपने टाइम का ध्यान रखना कि आप इसे टाइम पे वॉक एक्सरसाइज करा पा रहे हो। हाँ, डोबरमैन डॉग ब्रीड का आपको हेल्थ चेकअप भी कराते रहना चाहिए अगर आप एक यूरोपियन लाइन की तरफ जा रहे हो। यूरोपियन लाइन में आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, अगर आप अमेरिकन डोबरमैन रखना चाहते हो तो आप एक कदम और पास पहुंच जाओगे, क्योंकि अमेरिकन डोबरमैन की एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं होती, वो डॉग थोड़े काम नेचर के होते हैं कंपेरेटिवली। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं यूरोपियन डोबरमैन की। यूरोपियन डोबरमैन को आपका प्रॉपर टाइम चाहिए होता है, उसे एक्सरसाइज के लिए प्रॉपर टाइम चाहिए, दिन के 3-3, 4-4 घंटे का टाइम चाहिए होता है। कई बंदे बोलते हैं भाई हम तो आधे घंटा कराते हैं, ऐसा नहीं होता, आपको उसका ध्यान रखना पड़ता है उसी हिसाब से। पहले उसकी फिजिकल एक्सरसाइज होगी, फिर मेंटल एक्सरसाइज भी करानी पड़ेगी जैसे कि ट्रेनिंग, और उसे समझाना चाहिए पड़ेगा क्योंकि यूरोपियन डोबरमैन में एग्रेशन काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। अगर आप यूरोपियन डोबरमैन लेते हो तो आपको प्रॉब्लम बढ़ सकती है, तो आप स्टार्टिंग कर सकते हो एक अमेरिकन लाइन के डोबरमैन से जो कि काफ़ी इजीली आपको अवेलेबल भी हो जाएगा और आपके बजट में भी इजीली आ जाता है मोस्टली लोगों के लिए। और कई बार ही बजट की भी दिक्कत नहीं होती, लोगों को यूरोपियन लाइन के डॉग के शौक होता है तो वो यूरोपियन डोबरमैन पालना चाहते हैं। तो यूरोपियन डोबरमैन के लिए आपको काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप लोग मेन डिफरेंस जानना चाहते हो ना इन दोनों डॉग ब्रीड में क्या है अमेरिकन और यूरोपियन में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा जिसमें मैंने प्रॉपर बता रखा है यूरोपियन डोबरमैन और अमेरिकन डोबरमैन के बारे में, तो आप लोग जाके देख सकते हो। अगर आप लोग वो वीडियो पसंद आए वो भी, तो वहाँ पे भी जाके आप कमेंट कर सकते हो कि भाई हमें ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगी है, ठीक है। बाकी आप लोग इस वीडियो के थ्रू भी बता सकते हो कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, क्या नहीं लगी। मेन जो चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर आप लोगों के पास बहुत बड़ा स्पेस है, गाँव गाँव में रहते हो, तो आप बेशक आप जा सकते हो, आपकी फैमिली ध्यान रख लेगी, तो भी आप यूरोपियन लाइन की तरफ जा सकते हो, वो वहाँ पे उसे प्रॉपर स्पेस मिल जाएगा। और अगर आप अमेरिकन भी रखते हो तो भी काफ़ी सही है, लेकिन यूरोपियन में थोड़ा एग्रेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा ही मिलेगा आपको, तो उसे काउंटर करने के लिए आपको सोशलाइजेशन पे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, उसकी ट्रेनिंग पे, हर एक चीज़ पे टाइम डबल हो जाएगा। इसी के चलते मैं आप लोगों को शुरुआत में कह रहा हूँ कि आप अमेरिकन लाइन की डोबरमैन की तरफ जा सकते हो, ऐसा आपको ऐसा कोई ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप उसके बाद साथ में कोई यूरोपियन लाइन का डॉग पालते हो डोबरमैन, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये थी आज की वीडियो, होप करता हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी जो कि फर्स्ट टाइम डॉग ओनर है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कैसी नहीं लगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर दो, फ्री है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर देना। साथ में कमेंट करके बताना कि आप लोग डोबरमैन की तरफ जाना चाहते हो, कौन सी लाइन की तरफ आप लोगों का ज़्यादा पसंद है। देखो मोस्ट लोगों को यूरोपियन लाइन पसंद होती है, लेकिन अमेरिकन लाइन में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ये कहने की बात है कि भाई अमेरिकन लाइन में आपको ज़्यादा दिक्कत होती है, ये चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों डॉग हेल्दी हैं। जो मेन चीज़ है वो है यूरोपियन डोबरमैन से शुरुआत हुई थी, लेकिन बाद में अमेरिकन डोबरमैन बनाया गया है, ऐसे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप रखते हो तो। ये थी आज की वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जय हिंद दोस्तों।